उधमपुर स्टेशन के जो नियर बाई है, स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है, तो आप यहाँ पे खाना ज़रूर खाएं। ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये पानी ऊपर से आ रहा है पहाड़ों में से, और रोटी सब्जी दाल और सलाद है ये मूली का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस नए ब्लॉग में। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज मैं आपके सामने एक अमेजिंग ब्लॉग लेकर के आया हूं। दोस्तों, अभी मैं कश्मीर में हूं, हाँ अभी मैं उधमपुर यानी कि कश्मीर में हूं, और आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो पहाड़ है, ये सब कश्मीर के ही पहाड़ है। आज हम सुबह ही यहाँ पर पहुँचे हैं। आज जो हमारी ट्रेन है उधमपुर 22401, जो हफ्ते में 3 बार दिल्ली सराय रोहिला से चलती है, सोमवार को, बुधवार को और शनिवार को, तो आज हम इसी ट्रेन से आए हैं। अभी आते टाइम दोस्तों मैंने आने का भी एक ब्लॉग बनाया था, आज मेरा सेकंड ट्रिप है, काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ, तो मैं जो अभी आया था पिछले ट्रिप में तो मैंने वीडियो भी बनाई थी आने की। बस दोस्तों, जब मैं यहाँ से रिटर्न जा रहा था तो मेरी फ़ोन चोरी हो गई, तो जिसकी वजह से मैं उस वीडियो को एडिट नहीं कर पाया, जो भी डाटा था उस फ़ोन के अंदर ही था। तो आज मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ, लेकिन आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं यहाँ पे पहुँचने के बाद स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरे पीछे है ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, और अभी जो नीचे है ये कुंड है, यहीं पे सब लोग स्नान करते हैं सुबह सुबह, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ से पानी भरने के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पानी है बहुत ही मीठा पानी है। आप देख सकते हैं मेरे जो पीछे ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से कई ट्रैवलर्स आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनको अगर पानी चाहिए होता है तो यहाँ पे कुंड के पास रुक करके वो यहाँ से शीतल जल भरते हैं। बहुत ही ठंडा पानी और बहुत मीठा पानी है। कभी भी आप उधमपुर स्टेशन आओ तो इस कुंड के पास जरूर आना। चलिए मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ ये कुंड भी कैसा है, और उससे पहले मैं आपको ये भोलेनाथ जी का मंदिर दिखाता हूँ। दोस्तों, ये नंदी बाबा है, और हमारे नंदी जी अपने भोलेनाथ जी को बिल्कुल सामने सामने देख रहे हैं। आप बिल्कुल इसके सामने देख सकते हैं, भोलेनाथ जी का शिवलिंग है। तो यहाँ भी लोग पूजा करने के लिए आते हैं, यहाँ पे लोग स्नान करके सुबह ही सुबह यहाँ पे इनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी यहाँ पे मंदिर देखा, और अभी हम आपको नीचे से कुंड दिखाते हैं, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक बार स्नान जरूर करते हैं, क्योंकि बहुत ही ठंडा पानी और मस्त पानी है, और पीने के लिए भी बहुत ही मीठा पानी है ये। चलिए हम आपको अभी नीचे से दिखाते हैं आपको कुंड। ओम श्री गणपतये नमः। दोस्तों, अब देख सकते हैं यही कुंड है, और यहाँ से जितने भी लोग ट्रैवलर आते हैं वो यहाँ से बिल्कुल ठंडा पानी भर के लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही मीठा है और बहुत ही शीतल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग स्नान करने का भी यहाँ पे जगह है, काफ़ी बड़ा है, लोग यहाँ पे स्नान भी करते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा है, चिल्ड है। और यहाँ पर भोलेनाथ जी का भी मंदिर है, तो जो लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ पर स्नान करके भोलेनाथ की पूजा भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म को बहुत ही माना गया है, और यहाँ पर इसकी आस्था भी अभी तक बरकरार है। तो ये हमें देख के बहुत ही अच्छा लगा कि लोग यहाँ पे नहा स्नान करके भोलेनाथ की पूजा करते हैं। दोस्तों, जिस कुंड की बात कर रहा था मैं, यही है, और इसके अंदर ये मछलियाँ भी है रंग बिरंगी। ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये पानी ऊपर से आ रहा है पहाड़ों में से, और बहुत ही शीतल पानी है ये, और लोग इसे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जो आगे रोड देख रहे हैं, यहाँ से भी लोग आते हैं और यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। दोस्तों, यही कुंड है, और अभी हम लोगों ने यहीं पे स्नान किया है, और अभी मैंने भी जाके भोले जी का पूजा किया, भोलेनाथ जी का, और अभी हम जा रहे खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि यहीं पास में एक होटल है, तो यहीं पे हम जा रहे खाना खाने के लिए, क्योंकि सभी स्टाफ लोग वहीं पे खाना खाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है। तो कल के भी मैंने ब्लॉग में बनाया था ये सारी चीज़ें, लेकिन वो सब मेरे फ़ोन के अंदर ही था, तो फ़ोन मेरा चोरी हो गया, तो जिसकी वजह से सारी जो वीडियो थी वो उसको मैं एडिट भी नहीं कर पाया, क्योंकि सारा डाटा चला गया फ़ोन के साथ ही। तो आज मैंने नया फ़ोन लिया है,
तो उस फ़ोन के साथ मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं फ़ोन की कमी के कारण मैं आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मैं आप तक पहुँचा पाता हूँ, कम से कम आप उस चीज़ से वंचित ना रह जाएँ। तो इसलिए मैंने ये फ़ोन नया लिया है, कल ही लिया मैंने फ़ोन, और अपनी सिम को भी दोबारा एक्टिवेट किया और दोबारा से आप लोग के लिए ब्लॉग बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग के अंदर, हम जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। तो दोस्तों इधर ये कुंड के पास में ये अंकल जी हैं और इनका एक छोटा सा होटल है, लेकिन ये खाना बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं, क्योंकि जब मैं पिछली ट्रिप आया था तो यहाँ पे खाना खा के गया था और यहाँ की मैंने वीडियो बनाई थी। तो खाना इनका बहुत ही मस्त रहता है, रोटी सब्जी दाल चावल सलाद जो भी चाहिए आपको भरपूर मिल जाएगा, लेकिन मस्त रहता है खाना। तो कभी भी आप यहाँ पे आइए तो इन अंकल के पास ज़रूर खाना खाना, बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं और हमारे जितने भी स्टाफ लोग हैं सब लोग यहीं पर आकर के खाना खाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है खाने में आज। दोस्तों ये जो अभी होटल में आया हूँ वहाँ का ये छत है और यहाँ से ये देखो कितना मस्त व्यू देख रहा है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपको यहाँ का थोड़ा व्यू दिखा सकूँ। और दोस्तों ये पीछे की साइड मेरी साइड ये उधमपुर सिटी है, तो यहाँ से कम 1 से 2 किलोमीटर ऊपर की साइड चलना पड़ता है जब जाकर के आप उधमपुर सिटी में आप पहुँचते हैं। तो हम लोग अभी बैठ गए और अभी खाना आने वाला है। तो कभी भी आप लोग यहाँ पे ट्रैवल करें तो ये उधमपुर स्टेशन के पास में ही अंकल जी का होटल है, तो बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है यहाँ पे। तो कभी भी आप यहाँ पे उधमपुर आएँ तो ये कुंड के पास में आपको ये होटल मिल जाएगा, तो यहाँ का आप खाना ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मस्त खाना मिलता है और हमारे जितने भी स्टाफ हैं सब लोग यहीं पर खाना खाते हैं। रोटी सब्जी दाल और सलाद है ये मूली का, और अभी जब हम रोटी खा लेंगे जब चावल भी आएगा। आलू के पराठे भी बनते हैं ना, नहीं सच में मज़ा आ गया अंडी खाना। तो दोस्तों कभी आप यहाँ पे आए तो ये उधमपुर स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है, तो आप यहाँ पे खाना ज़रूर खाएं, बहुत ही मस्त खाना मिलता है यहाँ, क्योंकि आसपास इतना आपको होटल भी नहीं मिलेगा। तो कभी भी आप आए तो यहाँ पे खाना खाएं, यहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ बना हुआ है, दाल चावल रोटी सब्जी। दोस्तों अब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने स्टेशन की तरफ, क्योंकि अपनी जो ट्रेन है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो अभी हम लोग सब लोग चल के ट्रेन के अंदर ही आराम करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेन है वो शाम को 6 बजे चलेगी, तो थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर थोड़ा इधर उधर थोड़ा यहाँ के जो नज़ारे हैं वो आपको चाहूँगा कि आपको दिखाऊँ। तो अभी थोड़ा जा रहे हैं आराम करने के लिए अपनी ट्रेन में, तो चलते हैं अभी स्टेशन की तरफ। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर को आप देख सकते हैं, इधर ही पास में एक ट्रेनिंग सेंटर है, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है तो इसलिए आपने इतने हेलीकॉप्टर को यहाँ पे कई सारे हेलीकॉप्टर उड़ते ही रहते हैं। दोस्तों ये नीचे की साइड आप देख सकते हैं ये उधमपुर स्टेशन है, और उधमपुर जो स्टेशन है वो बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच है, साइड साइड से आप देख सकते हैं ये पहाड़ी पहाड़ है और इनके बीच में ये उधमपुर स्टेशन है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का, आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल शांति का अनुभव करेंगे, बहुत ही शानदार व्यू है। आप देख सकते हैं ये नीले नीले आसमान और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत ही शानदार नज़ारा है ये। तो दोस्तों अभी जो मैं स्टेशन है ये उधमपुर स्टेशन के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं नीचे उधमपुर स्टेशन है। और कभी भी दोस्तों जिन लोगों को कश्मीर जाना हो, श्रीनगर जाना हो, वो यहीं से आते हैं, आप यहाँ से भी आ सकते हैं उधमपुर स्टेशन, और यहाँ से भी आपको टैक्सी बस ये सब मिल जाएगा। यहाँ से अगर किसी को श्रीनगर जाना हो तो वो यहाँ से बनिहाल तक के लिए टैक्सी ले सकते हैं, आपको शेयरिंग में टैक्सी 500 से 600 तक पड़ जाएगा। तो यहाँ से बनिहाल स्टेशन 3-3.5 घंटे का रास्ता है, तो आप बनिहाल स्टेशन पहुँच के वहाँ से आप जो ट्रेन जाती है वो ट्रेन आप ले सकते हैं श्रीनगर तक, वहाँ से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ से आपको 45 रुपये का टिकट पड़ेगा।
मनिहाल से श्रीनगर तक का। देख सकते हैं मेरे पीछे एक टैक्सी स्टैंड है और यहीं से लोग टैक्सी लेते हैं बनिहाल तक, श्रीनगर तक या गुलमार्ग तक। यहाँ से लोग अपनी पर्सनल टैक्सी भी बुक कर लेते हैं। ये दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये उधमपुर स्टेशन है और इसके पीछे पहाड़ी पहाड़ है। तो अभी हम यहाँ पे उधमपुर स्टेशन तक पहुँचे, आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट उधमपुर स्टेशन का। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये उधमपुर स्टेशन के जो नियर बाई है जो जो प्लेस है घूमने के लिए, आप देख सकते हैं मंसर लेक, जम्मू, माता वैष्णो देवी, कटरा, सब पास पास में ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ये पाटनी टॉप भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बर्फबारी भी होती है, तो बहुत ही बढ़िया जगह है ये उधमपुर का। तो कभी भी आप यहाँ पर आए तो आप इन पास जगहों पे आप घूम सकते हैं यदि आप उधमपुर आ रहे हैं तो। तो दोस्तों हमने अभी उधमपुर स्टेशन में एंट्री कर ली है, आप देख सकते हैं उधमपुर का स्टेशन है और हमारी जो ट्रेन है ये यहाँ पे खड़ी है। तो ये सुबह ही आ चुकी थी और यहाँ से चलेगी शाम को 6 बजे, तो अभी इसको साइड में खड़ा कर दिया गया। हम ट्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं और अब हम लोग करेंगे थोड़ी देर आराम क्योंकि शाम को चलेगी ट्रेन, तो थोड़ा आराम करना भी जरूरी है क्योंकि अभी कोई काम नहीं है। हम लोग खाना वाना भी खा के आ चुके हैं तो अब थोड़ी देर आराम करेंगे, तो आप हमारे साथ ब्लॉग के अंदर बने रहे। काम भी कर लिया है और अभी हम नीचे की साइड जाने वाले थे लेकिन वहाँ पे नहीं जा पाए, वहाँ का रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो अभी स्टाफ लोगों ने बताया कि वहाँ का रास्ता थोड़ा ख़राब है जाने का, तो इस वजह से हम वहाँ पे जा नहीं पाए। अब हमारी ट्रेन यहाँ से 6 बजे चलेगी, तो 6 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है, तो उसके बाद मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। तो अभी आपको थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ, देखिए वो पीछे पहाड़ वहाड़ जो है सब यहाँ के शानदार नज़ारे हैं। अभी जब मैं गर्मी के टाइम पे आता था तो यहाँ से जब निकलते थे तो बहुत ही शानदार नज़ारा लगता था, पूरे पहाड़ी पहाड़। लेकिन अभी ठंड के टाइम में जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ से हमारी ट्रेन चलेगी 6 बजे। अभी इसको पैक करके इसको दोबारा स्टेशन पे लगाया जा रहा है। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगाई गई है और अभी इसके अंदर पैसेंजर्स, जितने भी पैसेंजर हैं सब लोग बैठेंगे और कुछ पैसेंजर जम्मू से बैठेंगे। तो अब यहाँ से ये 6 बजे चलेगी। ये देखो चिड़िया कर रही है शोर। दोस्तों अब जो हमारी ट्रेन है यहाँ से 6 बजे चलेगी और अब हो रहा है बिल्कुल शाम, यहाँ पे अंधेरा हो रहा है क्योंकि ठंड के टाइम में जल्दी अंधेरा हो जाता है। गर्मी के टाइम पे थोड़ा उजाला भी रहता है, 7-7:30 बजे तक उजाला ही रहता है, लेकिन अब शाम के टाइम में जल्दी अंधेरा हो रहा है। इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया थोड़ा कश्मीर
उधमपुर यानी कि यहाँ का थोड़ा नज़ारा। दोस्तों आते टाइम जो मैंने ब्लॉग बनाया था दिल्ली टू उधमपुर, तो मैंने पूरी ट्रेन जर्नी की ब्लॉग बनाई थी और यहाँ पे भी पूरा ब्लॉग बनाया था, लेकिन दोस्तों जब मैं रिटर्न जा रहा था तो वो मेरा फ़ोन चोरी हो गया, तो जिसकी वजह से मैं उस वीडियो को एडिट नहीं कर पाया, सारा डाटा चला गया। तो मैं दोबारा अगले दिन मैं न्यू फ़ोन लेकर के आया, क्योंकि दोस्तों मेरे को फ़ोन के बिना मन नहीं लगता, किसी का भी मन नहीं लगता फ़ोन के बिना। और जब फ़ोन रहता है तो मैं आप लोगों के लिए तरह तरह की वीडियोज़ ही बनाता रहता हूँ, तो इसलिए भी मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर फ़ोन नहीं रहेगा तो फिर वीडियो नहीं बना पाऊँगा, इसलिए मैं कल ही फ़ोन लेकर के आया। किसी ने सही कहा है कि कोई कुछ भी लेके जाए लेकिन तुमसे तुम्हारी किस्मत लेके नहीं जा सकता, तुमसे तुम्हारा ज्ञान लेके नहीं जा सकता। तो ये सही बात है दोस्तों, कोई भी तुमसे तुम्हारा किस्मत और तुम्हारा टैलेंट जो है, जो तुम्हारा ज्ञान है, वो कभी तुमसे लेके नहीं जा सकता। तो दोस्तों इसी के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से मैं अलग अलग जगह की वीडियोज़ बनाता रहूँ। और आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो हम जैसे नए क्रिएटर हैं, यदि आप इनकी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हम जैसे नए क्रिएटर को मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि मैं आप लोग के लिए वीडियो नए नए आते रहे डालूँगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।